हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो या इट्स गुड मॉर्निंग आल्सो। सो गाइस, आई होप आप सबको पता है कि वेस्ट बंगाल में और सिर्फ वेस्ट बंगाल नहीं और भी कुछ जगह में ऐसे एक बहुत डेंजरस एक साइक्लोन आने वाला है जिसका नाम है यास। सो इसलिए तो जैसे आपको बताया कि लास्ट ईयर वेस्ट बंगाल में आम्फान भी आया था जो कि ना बहुत डेंजरस था एंड उससे भी ज़्यादा डेंजरस इस बार आने वाला है। तो इसीलिए मैंने सोचा एक व्लॉग ही क्यों ना मैं बना दूँ, बट ताकि मैं आप सबको दिखा सकूँ कि कितना डेंजरस है और ऑफ कोर्स इट विल कॉज डिस्ट्रैक्शन दैट वी नो, बट वी होप कि उतना डिस्ट्रक्शन ना कॉज करे, उतना डिस्ट्रक्टिव ना हो। आई ट्राई टू शो यू मोस्ट ऑफ द थिंग्स, जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतना दिखाऊंगा ज़रूर। आई ट्राई माई बेस्ट इन इट। आगे का तो पता नहीं, बट अगर आपको देखना है, आपको जानना है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा विदाउट स्कीपिंग। प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड, विदाउट स्कीपिंग आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा ताकि आप कुछ भी चीज़ें, छोटे छोटे चीज़ें भी ना मिस करो। एंड गाइज, प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ। प्लीज़ आप जाइए और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए। तो आप सब तैयार हो मेरे व्लॉग देखने के लिए। तो संभावना सेठ के स्टाइल में आ जाओ। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ देर पहले ही बारिश हुई और सुबह से ही आज का वेदर थोड़ा वेट है। गाइस, हो गया मेरा ब्रेकफास्ट और अभी मैं टेरेस में जाने वाला हूँ और आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि अभी का वेदर कैसा है। तो अभी तो ऐसा कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं है, अभी तक तो ठीक ही है। लेट्स सी, लेट्स होप कि ज़्यादा ख़राब ना हो क्योंकि अभी तक तो नहीं शुरू हुआ है। चलिए देखते हैं। तो आ गया हूँ मैं छत पे और मैं अभी आप सबको अभी का जो वेदर है दिखाऊँगा। तो अभी तक तो वो शुरू नहीं हुआ साइक्लोनिक एक्टिविटी, बट या आई होप कि ये इतना डिजास्ट्रस ना हो क्योंकि पिछली बार आम्फान में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। उतना डिजास्ट्रस अगर ना हो तो ही अच्छा, ताकि ज़्यादातर लोगों को कुछ हार्म ना पहुँचे। सो आई एम लिटिल वॉरिड, बट Let's pray to the God and all, let's all be safe. So guys, as you all can see all around the things which are taking place, like the COVID, since past one year the COVID is, you know, it's spreading more and more and it's curbing the entire world. And at the same time, last time भी एक cyclonic activity हुई जिससे बहुत ज़्यादा destruction भी हुआ था West Bengal में और काफ़ी सारी जगह में। And you see this time also, इस year भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, but I don't know क्या हो रहा है आसपास। I mean, हम सबको ये लगता था कि 2020 इज़ अ वर्स्ट ईयर, बट ऑनेस्टली 2021 इज इवन वर्स दैन 2020। एक तो कोरोना वायरस कम नहीं हुआ और वो बढ़ता जा रहा है, एंड एट द सेम टाइम और भी कुछ चीज़ें आ रहे हैं। आई कैंट रियली टेल इट इन ऑफिशियल वे बिकॉज आई डोंट हैव दैट परमिशन, बट आप सब
आई एम श्योर आप सब जानते हैं, और ये साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ भी आप देख ही लो क्या है. दिस इज़ रियली वेरी डिस्टर्बिंग एंड इट्स जस्ट डिवास्टेटिंग, दैट इज ऑल आई कैन से अबाउट इट. हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि वी विल गो थ्रू सच अ बैड टाइम, बट लेट्स बी होपफुल. एंड क्योंकि हर एक डरावनी रात के बाद एक सुबह आती है, सो आई एम श्योर कि वो सुबह बहुत जल्दी आएंगी. आई नो कि बहुत देर हो रही है वो सुबह आने में, बट वो सुबह बहुत जल्दी आएगी एंड वील ऑल बी सेव एंड वील ऑल विन ओवर दिस डेडली नॉट ओनली वायरस बट दिस वर्स्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी बैड टाइम गोइंग ऑल राउंड, बट कीपिंग फिंगर क्रॉस्ड, लेट्स बी होपफुल एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. सो गाइज, आई हम्बली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ऑल वन थिंग एंड दैट इज, जैसे कि आप देख रहे हो कि इस तरह के साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, तो इस टाइम पे बहुत लोगों की डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं. उसके साथ साथ जो मेन विक्टिम्स हो रहे हैं वो है एनिमल्स, जो एबंडेंट हैं एंड दे डोंट हैव फूड टू सर्वाइव. एंड तो अगर इस टाइम पे अगर कोई भी एनिमल्स, बी डॉग, कैट, अगर इस तरह के डोमेस्टिक एनिमल्स अगर आपके घर के सामने आते हैं, एंड आई थिंक सो डॉग्स ही ज़्यादा है एंड कैट्स भी, तो प्लीज़ उन्हें भगाइए मत. क्योंकि बाहर जिस तरह के अगर साइक्लोन्स अगर होंगे तो उन लोगों को ज़्यादा इफेक्टिव होंगे उन लोगों के लिए, क्योंकि दे डोंट हैव शेल्टर. तो अगर आपके घर के सामने आते हैं एंड दे जस्ट वॉन्ट शेल्टर, यू ट्राई टू गिव देम अ लिटिल बिट ऑफ शेल्टर. अगर आप नहीं चाहते उसके घर में घुसाए, बट एटलीस्ट गार्डन में या फिर कहीं पे थोड़ा सा शेल्टर दीजिए एंड सर्वाइवल के लिए थोड़ा फूड्स भी दीजिए, ताकि वो यू नो विक्टिम ना बन पाए, इस चीज़ का शिकार ना बन पाए. एंड एवरी लाइफ इज़ प्रेशियस, जैसे हम लोगों के लिए हम लोगों का लाइफ इतना प्रेशियस है, एट द सेम टाइम एनिमल्स के लिए भी उनका लाइफ इक्वली प्रेशियस है. थिंग इज़ दैट दे कैंट स्पीक, दे कैंट कन्वे थिंग्स, बट उन लोगों को भी बहुत दर्द होता है. प्लीज़, तो अगर आपके सामने, आपके घर के आसपास कोई भी ऐसे डॉग्स या कैट्स, कोई भी पेट्स शेल्टर चाहते हैं, एंड प्लीज़ उन्हें भगाइए मत. यू ट्राई टू गिव देम, आई थिंक सो इतनी सारी इनह्यूमैनिटीज़ जो हो रहे हैं, उस बीच थोड़ा ह्यूमैनिटी अगर होता है तो आई थिंक सो इट वुड क्रिएट अ ग्रेट डिफरेंस. सो ट्राई योर बेस्ट टू डू दैट एंड धुतकार कर एकदम भगाना, दैट इज़ नॉट गुड थिंग आई सपोज. सो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू ऑल. अभी मैं आपको हाथ जोड़ के नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे एक हाथ में फ़ोन है, मेरा आधा हाथ है ऐसा यहाँ पे. तो जैसे कि आप देख सकते हो फिर से बारिश शुरू हो गई है, और एक्चुअली मैं यहाँ पे खड़ा हूँ क्योंकि बाप रे बाप जोर की बारिश आ गई. ऑडियो आए आए तातरी आए 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 आए. जैसे कि आप देख सकते हो कि इतना ज़ोर से बारिश हो रही है कि पूरा कितना पानी इकट्ठा हो गया है हम लोग के घर के सामने.
तो गाइस मैं नहा चुका हूँ एंड आप देख सकते हो अभी भी बारिश कितना ज़ोर से हो रहा है। बहुत जोर की बारिश हो रही है, अब देखिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है तो हम बैकअप के लिए दो कैंडल्स रखे हुए हैं और भी लाएंगे एंड ये इमरजेंसी लाइट भी हम लोग चार्ज देके रखे हैं और पावर बैंक भी चार्ज देके रखे हैं फॉर आवर सेफ्टी। हेलो यू गाइस, टुडे इज 26th ऑफ मे एंड अभी मॉर्निंग है। तो अभी का जो अपडेट है ये तो वो ये है कि कल तक जैसे कि आपने देखा पिछले दो दिनों से सिर्फ बारिश हो रही है और हवाएं भी चल रही है, उसके साथ साथ आज अराउंड 6 o'clock आज सुबह इतना ज़ोर से तूफान आया था, आई कांट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स, आई जस्ट कांट डिफाइन इट टू यू कितना ज़ोर से वो आया था। एंड हम लोग तो बाहर तो नहीं जा पाए और ना ही मैं कुछ रिकॉर्ड कर पाया बिकॉज बहुत ज़ोर से था, सिर्फ आवाज़ें ही सुन के हम लोग वो कर रहे थे क्योंकि दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद करके रखे थे एंड अगर खोलते तो दोनों क्या क्या हो जाता, इसीलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। बट बहुत ज़ोर से आवाज़ था एंड इट वॉज रियली डेंजरस। और अब तक तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम भी अब तक नहीं हुआ, बट कई जगह जैसे दिघा ऐसी जगह में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। जो सी कोस्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रक्शन हुआ, बट बाय गॉड ग्रेस टिल नाउ हम लोग के यहाँ तो कोलकाता में उतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ एंड वी होप कि ऐसा ही बरकरार रहे। मगर अब सुन रहे हैं कि 12 बजे के बाद वो फिर आ सकता है, ऑल्दो वी केम टू नो दैट जो साइक्लोन है उनका जो पाथ है वो अभी चेंज हो गया है, सो आई डोंट थिंक सो इट वुड हिट हार्ड इन कोलकाता, बट स्टिल लोग बोल रहे हैं कि 12 बजे के बाद फिर से शुरू होगा एंड 12 बजने ही वाला है, तो इसलिए इसके पहले मैं आपको बता दिया। और लेट्स सी अब उसके बाद क्या होता है, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। और अगर ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई फिर भी आप प्लीज़ स्किप मत कीजिए और देखिए, इन्जॉय कीजिए। आई होप एन्जॉय तो कोई नहीं कर सकता, बट आप एटलीस्ट देख सकते हो कि कोलकाता में क्या क्या हुआ, यू कैन बी अपडेटेड विद द थिंग्स। चलिए देखते हैं। और अभी अभी मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया एंड अभी मैं जाऊँगा नहाने, नहा धो के आपसे फिर मिलते हैं और नेक्स्ट अपडेट के साथ आते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कितना जोर जोर से ये बिजली कड़क रही है, ओह माय गॉड दैट वाज रियली वेरी स्कैरी, बहुत डरावना था वो। और ये वीडियो एक्चुअली मेरी जान पहचान के एक भैया है एंड उन्होंने ये वीडियो शूट किया था एंड थैंकफुली उन्होंने ये वीडियो शूट किया था एंड জল বেরিয়েছে দেখো দিন হয়েছে এ মা আগে দিন জল হতো না আমাদের বাগানে तो जी जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है एंड अब तक वैसे साइक्लोन तो नहीं आया है
और ना ही आए तो ही अच्छा। बट मेरे जो ब्लॉग है वो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, इसीलिए अभी मुझे आप सबको बाय बाय कहना है और ये ब्लॉग मुझे यहीं पे एंड करना है। तो आई होप यू ऑल लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक इट मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो यू क्लिक द बेल आइकन सो दैट यू गेट ऑल माई अपडेट्स, और मेरे अपडेट्स मेरे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। एंड और आपको तीन चीज़ें करनी है और वो है शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ डीनो डैश एंटरटेनमेंट। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड वेर एवर यू आर प्लीज़ फॉलो द कोविड प्रोटोकॉल्स। एंड ये रहा है कंडीशन, तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय। तो गाइज मैं आपको बता दूँ कि जो ये साइक्लोन है, यस, इसने कोलकाता में तो उतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं किया, बट ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा डाउनपोर हुआ एंड हैवी रेनफॉल हुआ। बट एट द सेम टाइम फ्यू प्लेसेस इन वेस्ट बंगाल लाइक दीघा एंड ऑल्सो इन ओडिशा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है एंड बहुत लोगों की लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज को हार्म हुआ है। एंड जैसे कि हम लोग न्यूज़ में देखे हैं, तो लेट्स प्रे ऑल टुगेदर फॉर दोज पीपल हु हैव बीन द विक्टिम ऑफ दिस डिज़ास्ट्रस साइक्लोन। एंड या एंड ऑल्सो बी थैंकफुल टू गॉड कि हमारे जगह जो कोलकाता है वहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं हुआ बारिश के अलावा।